नमस्कार फ्रेंड्स, हरीश माली ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। सुबह 6:30 बजे का टाइम है, टर्मिनल 3 दिल्ली। आप देखिए जी, एयरपोर्ट में 6:30 बजे सुबह कितनी भीड़ होती है। हम पटना जा रहे हैं, 8:20 की हमारी फ्लाइट है, हमें यहाँ पर 6 बजे तक आ जाना चाहिए था, आधा घंटा लेट है। चलो अंदर चल के आपको बताता हूँ पटना पहुँच कर हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, हमारा टूर प्लान क्या है। पिछले 6 साल में पहली बार है कि मैं 4 दिन का टूर कर रहा हूँ। मैंने एक बार भी इतना छोटा टूर नहीं किया, ठीक है। अभी थोड़ी टाइम कम था मेरे पास, इस वजह से मैं सिर्फ 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जानते हो, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए हम कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खा रहे हैं। जैसे किसी और एयरलाइन में हम मील प्रीबुक कराते हैं तो चॉइस देते हैं वेज या नॉन वेज, लेकिन मैंने देखा विस्तारा में ना, आप अपनी चॉइस बदलना चाहो तो उस मोमेंट बदल दो, तो दे आर ओके विद दिस। बाकी जगह तो अगर आपने बोला है मेरे को वेज बिरयानी खानी, तो वेज बिरयानी ही लेनी पड़ेगी, आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे को विस्तारा थोड़ी सी ना ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन आपको चार्जेस थोड़ी टिकट महंगी पड़ती है। पटना एयरपोर्ट में ये चीज़ बड़ी गजब है, एयरक्राफ्ट से उतरे और सीधा सामने अराइवल। ये वाला टूर हम बिहार टूरिज्म के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अभी हम ओल्ड सेक्रेटरीट में आए हैं सेक्रेटरी टूरिज्म से मिलने के लिए। मेरे साथ इस समय मिस्टर अभय सिंह है। हेलो, नमस्ते। अभी यहाँ पर पहुँचे हुए मुझे 5-7 मिनट हो गए हैं, तो मैं काफ़ी साल से ना एक्साइटेड था बिहार आने के लिए। इनफैक्ट 2 साल पहले तो मैंने अपने लिए टिकट भी बुक करवा ली थी, लेकिन कोविड के समय मेरे को कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि कोविड की 3rd वेव 4th वेव दोबारा आ गई थी। थैंक यू हरीश जी, बिहार टूरिज्म के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमको समझना होगा, इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारे पास बिहार के अंदर, और हर रिलीजन का प्रेजेंस हमारे पास है। अगर आप देखें बुद्धिस्ट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भगवान बुद्ध यहीं से थे, जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने। भगवान महावीर यहाँ पे उनको अपना एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। उसके अलावा भी हमारे 2 गुरु हैं जैनिज्म से, जिनको के जो यहाँ रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे व्यतीत किया और उनको यहाँ पे एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। तो इस तरह से अगर हम देखें, उसी कॉन्टिनेशन में अगर हम जाते हैं तो सिख टूरिज्म का भी ये एक सीट है, जहाँ पे जो हमारे 10th गुरु थे वो यहाँ पे पैदा हुए, वो यहाँ से जुड़े रहे, और फिर उन्होंने सिखिज्म को एक अनदर पिनिकल पे पहुँचाया। तो मुझे लगता है कि ये रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से नालंदा हमारा पार्ट रहा है। अगर हम देखें पाटलिपुत्रा, विच वॉज अ कैपिटल फॉर इंडिया ऑल्सो एट वन ऑफ द टाइम, सो दिस इज अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज विच इज अ पार्ट ऑफ बिहार हिस्ट्री, एंड बिहार टूरिज्म उसको एक बड़े रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है, और आप भी उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फैंटास्टिक, सो नाइस ऑफ यू। दोनों ही जगह जो आपने सेलेक्ट किया है अद्भुत है। हिंदुओं का उतना ही इम्पोर्टेंट तीर्थस्थल है जितना बौद्ध के लिए है, और थोड़ा इसके बीच में जाएंगे तो जैन के लिए भी ये अविस्मरणीय भूमि है, क्योंकि उनको भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इको टूरिज्म के बारे में भी जान लेते हैं, तो थोड़ा आप बता दीजिए सर। लेकिन एक तेजी से उभर रहा है इको सर्किट में, हम लोगों का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो लेटेस्ट आंकड़ा के अनुसार वहाँ 52 टाइगर अभी है वहाँ। अच्छा। और वहाँ पर जंगल सफारी वगैरह की बहुत व्यवस्था की गई है, वो आकर्षित कर रहा है लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अब हमारा प्लान कुछ इस तरह से है कि यहाँ से हम सबसे पहले राजगीर जाने वाले हैं, वहाँ पर हम आज रात को रुकेंगे, कल रात को भी रुकेंगे, और परसों हम वहाँ से गया चले जाएंगे। ऐसा करके हम राजगीर और गया हमारे मेन डेस्टिनेशन रहेंगे इस टूर के दौरान, और लौटते समय अगर मुझे लगा कि पटना में मैं हाफ डे निकाल पा रहा हूँ तो मैं वो आधा हाफ डे पटना में स्पेंड करूँगा। राइट, चलो अब आपको मैं आधे घंटे बाद ज्वाइन करता हूँ। आधा घंटा यहाँ थोड़ा बैठ के हम और ज़रा गहराई से अपनी आइटनरी शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। राजगीर जाने से पहले हमने सोचा यहाँ की मरीन ड्राइव देख लेते हैं। यहाँ पर शाम के समय बहुत सारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं,
अभी तो ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे किसी ने बताया कि शाम के समय बहुत चहल पहल रहती है। सामने आप गंगा नदी देख रहे हो। हम जानते हैं ना, हरिद्वार, प्रयागराज, बनारस, पटना होते हुए आगे बे ऑफ बंगाल में गंगा ड्रेन कर जाएगी। रेल ब्रिज और उसके ऊपर रोड ब्रिज। यहाँ से राजगीर लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर हम नॉन स्टॉप जाएंगे तो 3.5 घंटे 3.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए। बाकी रुकते रुकते जाएंगे, रास्ते में हमको फेमस सिलाऊ का खाजा भी खाना है। 5-7 मिनट यहाँ पे टहलते हैं, फिर हम यहाँ से सीधे चलेंगे डायरेक्शनली ऑन वे टू राजगीर। हम लोग अभी धनियावन पहुंचे हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर मेरे को दो जॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो सामने महारानी होटल और एक इस तरफ जय जवान जय किसान। लंच में मैंने अपने लिए दो चीज मंगाई है, झींगा और फिश करी। बहुत ज्यादा छोटे साइज के प्रॉन्स हैं। काफी सारे ऑयल के साथ। अभी मैंने अंदर चेक किया, इनके पास ना फिश में 3 से 4 तरह की वैरायटी थी। तो ये जगह फ्रेश फिश खाने के लिए फेमस है। यहाँ नजदीक में जो पॉन्ड है ना काफी सारे, वहां से ये लोग फिश सोर्स करते हैं, सरसों के तेल में इसको तैयार करते हैं। ये जगह का बैकग्राउंड है, क्यों लोग यहाँ पे रुकते हैं और राइस और फिश लंच में, डिनर में जैसे भी रहते हैं खाते हैं। ओवरऑल टेस्ट अच्छा है। टेस्ट तो यहाँ पर चिकन करी का भी अच्छा है, लेकिन फिश करी ज्यादा स्वाद है। हमने सोचा चांस ले लेते हैं, नालंदा रुइंस अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो आज विजिट कर लेंगे, नहीं पहुंच पाए तो दोबारा लौट कर आएंगे। तो अभी देखो 4:15 बजे का टाइम है, 10 से 15 मिनट में हम रुइंस तक पहुंच जाएंगे। एक चीज़ आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, मैं ट्रैवल करते समय करता क्या हूँ। इस प्रकार के मेरे पास ना नोट्स होते हैं, कम से कम 10-15-20 पेज के। ये नोट्स मैं टूर करने से पहले बनाता हूँ, उनका प्रिंटआउट निकालता हूँ और ये मेरे पास हैंडी होते हैं। तो इसमें कम से कम 5 से 6 पेज की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से कैप्चर करके इसमें मेंशन करी हुई है। मैं रुइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन को ऐसा मैं रिवाइज कर लेता हूँ जिससे कि जब मैं गाइडेड टूर करूँ तो मुझे कुछ टॉकिंग पॉइंट्स तो पता होने चाहिए ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बात कैसे कर रहा हूँ, तो ये उसका एक तरह से राज है। ऑल सेट, बिना गाइडेड टूर के कोई भी मॉन्यूमेंट देखने से मज़ा नहीं आता, क्योंकि गाइड जब समझाते हैं, क्योंकि उनका रोज का काम होता है ना, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो आई रियली विश कि हम वहाँ पहुँचे और एक अच्छे गाइड से हमारी मुलाकात हो जाए। अब देखो 5 बजे ना वहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है, तो पहुंच तो जाएंगे हम और 15 मिनट के अंदर, क्योंकि अभी 3-4 किलोमीटर का ही रास्ता बचा हुआ है। और फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है जो हम विजिट करने जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि एंशिएंट इंडिया की यूनिवर्सिटी के रुइंस हम विजिट करने जा रहे हैं। नालंदा रुइंस तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हमको अंदर जाना है, 40 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है, बाहर लिखा भी हुआ है। एंट्री टिकट लेके ना हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो एंट्री गेट पे ही आप पूछ सकते हैं गाइड के लिए, तो बहुत आसानी से गाइड मिल जाते हैं। तो हम यहाँ आए तो हमारी मुलाकात ना सब्सक्राइबर से हो गई है, रवि जी हमारे साथ ही हैं। तो धन्यवाद बालू जी। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। और इन्होंने बोला कि रुइंस के बारे में मैं भी जानकारी रखता हूँ, तो आपको मैं घुमा भी देता हूँ और इसके बारे में जानकारी भी दे देता हूँ। चलो सही है जी सर, आपके सारे हम नालंदा रुइंस देख लेंगे सर। तो कहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा बताओ ना। नालंदा विश्व प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पे घूमने के लिए लगभग जो है पूरे संसार से आते हैं। और यह जगह संसार के सबसे श्रेष्ठतम विद्या केंद्रों में एक था। हमारे प्राचीन इतिहास के जानकारी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के महानतम विश्वविद्यालय में इसकी गिनती होती है। और माना जाता है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पूरे संसार के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा पाते थे।
और इस विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में 413 ईस्वी के बाद हुई है। एक चीज़ जो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम कह सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, इस समय हम रुइंस देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट यहाँ पर आके रहते थे और पढ़ाई करते थे। जी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर। ऐसा जी, हमने सुना कि इंटरव्यू प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पे एडमिशन लेने का। जी जी जी, जो बच्चे आते थे तो उस समय जो है हुएन सांग आए थे, वो लिखते हैं अपना डायरी में कि यहाँ पे जो है कठिन एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे और मात्र उस समय तक मुश्किल से 10% लोग ही पास कर पाते थे, 90% फेल कर जाते थे। ये ह्यून सांग की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। मैं ना वाराणसी गया था जी, आप भी गए होंगे ना बनारस, तो ऐसा कहते हैं कि ह्यून सांग ने वाराणसी भी गए और हिंदुस्तान में जगह जगह घूमे, स्पेशली नॉर्थ साइड में। तो उन्होंने वाराणसी के बारे में भी ऐसा बोला था कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनारस है। ऐसा बहुत सारी बातें उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम जो वो टाइम होता था उसके बारे में लिखा है। ये 1917 से 1918 की कुछ 1915 से 37 तक इसका खनन हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो मेन जो डिस्कवरी हुई है कि यहाँ पे रुइंस थे जी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 100 साल पहले इसका 100 साल की पुरानी बात है। अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस जगह की खोज करी थी जी, जो कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं। अच्छा, तो ये देख लो पुरानी फोटोग्राफ्स दिख रही हैं, 1917 की वहाँ देखी हमने, 1924 को काम कैसे हो रहा था। तो हम जो देख रहे हैं अभी वाले जी, ये वर्तमान में नालंदा का जो अभी रुइंस है सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कुमार गुप्त के द्वारा 413 से 55 के बीच में की गई। उस समय गुप्ता डायनेस्टी थी, गोल्डन एज थी। 200 साल बाद इस यूनिवर्सिटी का विस्तारकरण कन्नौज राजा हर्षवर्धन ने 606 से 647 के बीच में किया। इन्होंने लिखा हुआ है जी, 647 के बीच में किया और फिर 200 साल बाद धर्मपाल पाल राजाओं के द्वारा 800 से 1200 ईस्वी तक इस विश्वविद्यालय का संरक्षण मिला। 1200 ईस्वी के लास्ट में आकर के बख्तियार खिलजी के नाम से जो इन्वेडर थे उन्होंने अटैक करके इस यूनिवर्सिटी पर आक्रमण किया और पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दी, जला दी गई। उस समय का एक मशहूर राइटर है मिन्हाज उल सिराज, उनके बुक के अनुसार यहाँ की लाइब्रेरी 3 से 6 महीने तक जलती रही थी, इतनी किताबें हुआ करती थी। 3 लाइब्रेरी का जिक्र ह्यून सांग के भी डायरी में है और उस समय इन्होंने भी लिखा था कि यहाँ की लाइब्रेरी अनेक महीने तक जलती रही। जो भी हम देख रहे हैं सर, सभी अति प्राचीन हैं और सब टाइम पीरियड के साथ यहाँ पे डिवाइडेबल हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। जैसे हम ये कट रूप में जो अभी देख रहे हैं, ये कुमार गुप्त के समय का एक रूम एक स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड होता था। ऐसे इसकी इनसाइड कैपेसिटी 10 फीट लंबी। अच्छा। और 10 फीट चौड़ी है सर। अच्छा। ये जो हम लोग को मैप दिख रहा है, ये सभी मोनास्ट्रीज हैं। अभी वर्तमान में 11 मोनास्ट्री ही प्राप्त हो सके, बाकी जो है 10,000 बच्चों के जो रहने के लिए था वो सब लॉस हो चुका है, उन पर गांव अभी बस चुके हैं चारों तरफ, अब उन गांव को हटाना बड़ा मुश्किल है। और ये उस लेवल तक ढका हुआ था सर, जो फोटोग्राफ्स हम लोग देखते आए उससे ये वहां तक ढका हुआ। किसकी बात कर रहे हो? ये खुदाई के पहले का जो पार्ट था ये ढका हुआ था वहां तक। ये सभी हॉस्टल्स एक टाइप के प्रतीत होते हैं, यहां से एंट्री होता है, ये सभी रूम होते थे जो हम बतला रहे थे, यहां रहना और यहीं पढ़ना, ये टीचर का मंच, नीचे स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट वाइज हो सकता है सर, बाहर हमने पढ़ा था कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ जी पर, तो कुछ कुछ एजुकेशन होती जी, तो सब्जेक्ट में थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, मैथ्स ऑफ कोर्स, मैथ, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, स्कल्पचर, योगा, मेडिटेशन, मैथ एंड लॉ। आपको सबको मुंह जुबानी मालूम है। अच्छा, आर्यभट्ट यहाँ के टीचर थे या स्टूडेंट थे? सर, आर्यभट्ट के बारे में तो डिफिनेट कुछ बुक्स नहीं मिले हैं, लेकिन उनका एक तरेगना के पास सर रिसर्च केंद्र था। हालांकि आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान का जो है जीरो का आविष्कार हुआ, डेसिमल सिस्टम और वैल्यू ऑफ पाई उन्होंने दिया, तो यूरोपियन कंट्री के लोग सर जीरो का यूज नहीं जानते थे, वो संभव है सर नालंदा से ही ले गए हैं वहाँ पे, तो इस नाते आर्यभट्ट का यहाँ पे सर लिंक था। बट एज ए स्टूडेंट था या टीचर था उसकी जानकारी पूरी नहीं है अभी पूरी अभी तक सर विभिन्न सोर्स से प्राप्त है।
तो बाली जी, जो हम अभी देख रहे हैं ये एक मोनास्ट्री का एंट्रेंस है, दोनों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्ति। अच्छा जी, और यहाँ पे बहुत बड़ा सर गेट, ये प्रमाण दिख रहा है सर, ब्लैक काला है जो ये जो है जलने का प्रमाण है। अच्छा जी, और ये तीन पार्ट में कैटेगराइज प्रतीत है। एक पार्ट नीचे जो हम अभी खड़े हैं इसके नीचे गुप्त डायनेस्टी के हैं कंस्ट्रक्शन, यहाँ से ले करके सर इधर जो है देखा जाए तो वो जो चट्टान है सर वो हर्षवर्धन का और उसके ऊपर पाल डायनेस्टी का। अच्छा जी, वो आपने जैसे पहले बताया जी। स्टूडेंट लोगों का लिविंग रूम है, अंदर देख सकते हैं। अच्छा, बाहर जो हम उसमें देख रहे थे मैप में, हाँ ये जो है, और सर 10x10 का प्रतीत हो रहा है तो हमारे ख्याल से ये एक स्टूडेंट के लिए इनफ है सर। और ये जो दीवार हम देख रहे हैं यहाँ पर जी, ये हर्षवर्धन के समय की है। लगभग हर्षवर्धन के समय, तो इसका मतलब आज से कितने साल हो गए, 1200-1300 साल हो गए। ऑफ कोर्स 1300 साल जोड़ घटाओ करने पर सर। ये दीवार जो है सर, हाँ हाँ, लगभग 6 फीट मोटाई लिए हुए है, 5.5 तो है कम से कम। मेरा हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो 5.5-6 है। तो इसके मोटा होने के कारण ये अभी तक सर बचा हुआ है। ये तो दीवार इतनी चौड़ी क्यों बनाई है, क्या कारण हो सकता है सर? मतलब 5 फीट चौड़ी दीवार बनाना जी, उस समय की सोच क्या थी उनकी? इसका सोच रहा होगा सर जो है, ये मतलब टाइम पीरियड को वो लंबा खींचना चाहते थे, एक बार बना दिए फिर रिपेयरिंग का जरूरत ना पड़े। मतलब बड़ा कम होता है कि हमारे को एक ही जगह, मतलब देखो सोच के हैरानगी हो रही है कि 5 फीट चौड़ी दीवार है, उसके बाद अंदर स्टूडेंट का रूम है जी, बहुत होता है 5 फीट तो। आजकल तो सर सेपरेशन में 2.5 इंच 10 इंच तक के जो है दीवार होते हैं, अभी तो 1 फुट भी पूरा नहीं होता जी जी। ये सर डेट एक देख रहे हैं ASI के द्वारा रिपेयर्ड है सर, तो जब कभी भी जो है जब क्षतिग्रस्त होती है तो रिपेयर भी हो जाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये नालंदा का मुख्य स्मारक है और सभी जगह इसी का चित्र दिया जाता है। ये नालंदा के मुख्य स्मारकों में एक है और माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र जी का यहीं जन्म हुआ था और यहीं पे उनका निर्वाण हुआ था। तो बौद्ध जगत में जहाँ जन्म और निर्वाण हुआ जगह काफी पवित्र मानी जाती है और बाद में इस पर अनेक राजाओं के द्वारा निर्माण का कार्य हुआ। अच्छा, ये तीन सीढ़ी जो है सर, हाँ, ये तीन राजाओं का जो है बना हुआ प्रतीत हो रहा है सर। कौन कौन से? ये एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी। अच्छा, 5वीं नीचे वाली, 5वीं हाँ, ये वाली 7वीं और ये वाली 9वीं। तो रवि भाई, जैसे ये मोनेस्ट्री नंबर 7 है जिसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जी, कि जैसे आप अभी तक बताते हमें आ रहे हो कि मोनेस्ट्रीज बिल्ट ओवर द रुइंस ऑफ अर्लियर वंस, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, एक के ऊपर एक बनाते थे जी जी। तो यहाँ नीचे इन्होंने लिखा है कि इसमें कुआं नहीं है, हो सकता है वो लिखा ना लास्ट में अंडर अनएक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हाफ जी, हो सकता है, हो सकता है जी, मिल भी सकता है, लेकिन आर्कियोलॉजी जब खुदाई करता होगा तो सर वो हर संभव प्रयास करता होगा कि जो भी छुपा हुआ चीज़ है उसको निकाल दिया जाए नेचुरली। तो आज की तारीख में यहाँ पर 11 जो मोनेस्ट्रीज हैं जी, उसमें से अभी हम 7 नंबर पे हैं, तो 8 नंबर का है? 8 इसके बगल में जो इस तरह से जो हम सर दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 ये सभी मोनेस्ट्री के एंट्रेंस पे लगाए गए हैं अभी पब्लिक के इन्फॉर्मेशन के लिए। समझ गए। रवि भाई धन्यवाद, आपने समय दिया और हमें काफ़ी अच्छे से रुइंस दिखा दिए जी सर। चलो सही है, आपसे मुलाकात भी हो गई। और अभी हम नज़दीक में एक ढाबे में बैठकर चाय पी रहे हैं। तो उपासक जी, आप एज ए टूर गाइड काम करते हैं? जी सर। सही है, तो मैं उपासक जी का नंबर इनसे लेके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वैसे भी यहाँ कोई मुश्किल नहीं होता, अगर आप आ जाएँ तो आपको गाइड आसानी से मिल जाएंगे। ग्रेट है। तो हमें यहाँ से ना सिलाव जाना है खाजा खाने के लिए, सिलाव पहुँचने में कितना समय लगेगा? मात्र 10 से 15 मिनट में आप आसानी से नज़दीक ही है जी सर। बहुत फेमस है ना वहाँ का खाजा? हाँ सर, यहाँ से खाजा सर विदेश वाले भी लोग ले जाते हैं, प्रसिद्ध है। अच्छा। जो है ना।
सही है, तो सिलाऊ जाएंगे, उसके बाद हम लोग राजगीर पहुंच के आज का डे एंड कर देंगे, ये हमारा आज का प्लान है। चलो सही, चाय लीजिए ना। सिलाऊ का खाजा कितना फेमस है इसका अंदाजा आप इससे लगा लो कि इस एरिया में जहां पर अभी हम खड़े हैं नाना करते भी 100 दुकानें होंगी जो खाजा बेचती हैं। इनमें से हम रैंडम एक दुकान में भी आए हैं खाजा खाने के लिए। भैया हमें आप दो किस्म के खाजा खिलाइए। हाँ। एक नमकीन और एक मीठा। पहले नमकीन दीजिए। तो इस भट्टी में तलते हो क्या? सामने भट्टी। हाँ, हाँ, ये भट्टी में। इन कोई दूसरा पेपर प्लेट नहीं रखते? नहीं, और ब्लैक। अच्छा देखो खाजा को ऐसा हाथ में पकड़ने से ना बहुत ज्यादा लाइट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको थोड़ा भी प्रेशर करूंगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये देखो कितनी सारी लेयर निकल आई हैं। भैया एक बात बताओ, इसमें ऐसे जब खाजा बनाते हो तो इसमें कितनी बार लेयरिंग करते हो? कितनी बार लेयर अनगिनती होता सर, 52 होता, 52 बार रोल बनता। हाँ हाँ, 52 बार। हाँ तो रोयल बनता ना सर, बिलैया हुआ, उसको मोड़ते गए तो 52 ही आएगा ना। तो मैदे से इसको पहले एक बार बेला, फिर उसके ऊपर क्या डाला? फिर मसाला लगता ना सर। कौन सा मसाला? वही डालडा और मैदा का मसाला था। अच्छा, डालडा इस्तेमाल करते। और फिर वही रोयल बना तो फिर मुड़ैया हुआ, फिर बिलैता, फिर बिलै होने के बाद फिर मुड़ैया हुआ, उसके बाद फिर कटिंग होता, फिर बिलैया इसको होता दोबारा, मैंने इसमें 2-3 बार मिलना पड़ता। अच्छा बताओ, गजब। मजा आ गया। वैसे एक बात है, सिलाऊ का खाजा इतना फेमस है कि मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि अगर आप इस रूट पे चल रहे होंगे तो सिलाऊ तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। और ये मैं खा रहा हूँ ना तो मेरा भी मन पता क्या हो रहा है, एक खाजा मैं नमकीन और लूँ उसके बाद मैं मीठा खाऊँ। तो भाई मुझे एक आप नमकीन खाजा और दे दो, और वैसे ना साथ साथ देखे एक कप गर्म चाय पियो, खाजा खाओ, मज़ा आ जाएगा। गदर ये देख लो जी, मीठा खाजा। मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा मीठा होगा, ऐसा नहीं है, मीठा हल्का है और टेस्ट गदर है। अच्छा हो गया पहले मैंने नमकीन खाजा ले लिया तो मेरे को मीठे का स्वाद बराबर आ रहा है, नहीं तो मीठे के बाद नमकीन का मजा नहीं आता। अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं आपको भी खाजा मिस नहीं करना चाहिए। चलो अब यहाँ से हम राजगीर चलते हैं और वहां पहुंच के आपको ज्वाइन करेंगे। राजगीर में रहने के लिए ना हमने एकोमोडेशन विरायतन में देखी है, मैं अभी अंदर जाके रूम देख आया हूँ। बेसिकली ये धर्मशाला है, आश्रम कह सकते हैं, तो इनके पास ना अलग अलग कैटेगरी में रूम्स हैं। जो रूम हमने अपने लिए देखा है उसका टैरिफ है 2500 प्लस GST। डिनर करने के लिए हम पांडु पोखर आए हैं। यहाँ पर देखिए रहने की एकोमोडेशन भी है, मैं पता लगाऊंगा यहाँ पर रूम टैरिफ क्या है। और फिलहाल पांडु पोखर क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर लिखी हुई है, तो मोटा मोटा पढ़ के समझ में आ रहा है कि ऐसी मान्यता है कि राजा पांडु महाभारत समय में, आप जानते हैं राजा पांडु रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जब आक्रमण किया तो उनके घोड़ों के लिए ये जगह अस्तबल के रूप में इस्तेमाल की गई। जब घोड़े यहाँ पर चले तो उनके नाखूनों के निशान की वजह से जब जो जगह बनी बाद में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और ऐसे चलते चलते एक तालाब सा बन गया जिसे वर्तमान में पांडु पोखर के रूप में जाना जाता है, राइट।
तो अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ के तो नहीं समझ में आ रहा फन एक्टिविटीज़ मीन्स क्या क्या, हो सकेगा तो कल मॉर्निंग में भी हम दोबारा आ जाएंगे क्योंकि वैसे भी तालाब देखने तो आना ही है, तब अच्छे से देख लेंगे। और सराउंडिंग्स देख लो, इस समय राजगीर में ही हम हैं, 8:30-9:00 का टाइम है। अब जैसे 8:30 का टाइम है तो एक्टिविटी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ज़्यादा कोई शोर नहीं है, शांति शांत सा एनवायरनमेंट है। चलिए आइए, हम यहाँ पर अंदर चल रहे हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पर डिनर में हमने अपने लिए ना दो चीज़ ली है, दाल और साथ में मटर पनीर। अब यहाँ सीन ये है कि अगर यहाँ पर आके आप लंच करना चाहते हो या डिनर करना चाहते हो, मैं डिनर की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, तो शाम को 7 बजे तक आपको एंट्री टिकट निकालनी पड़ती है 100 रुपीज़ की। तो हम क्योंकि लेट हो गए थे बाहर गेट पे, हमें पता चला तो रिक्वेस्ट करके हम यहाँ डिनर पे थोड़ा लेट आ गए, अदरवाइज़ लेट अलाउड नहीं है, मतलब 7-7:30 बजे लास्ट टाइम होता है। और साथ में अच्छी बात यह है कि इन्होंने हमें तवा चपाती दे दी। फूड रेडी होने में ना यहाँ पर ऑलमोस्ट 40-45 मिनट लग गए, लेकिन ये है कि बना के इन्होंने ताज़ा दिया, अच्छी बात ये है। एवरेज टेस्ट है, अच्छी बात यही है जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई कि फ्रेश बनाया। दाल अच्छी है, पनीर से ज़्यादा मेरे को दाल का स्वाद अच्छा लगा। एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल मैं आपको ना यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, कल हम दिन भर राजगीर में रहेंगे और कल का डी एंड बी हम राजगीर में करेंगे, परसों हम गया जाने वाले हैं, ऐसा हमारी यहाँ पर प्लानिंग है। और कल का जो हमारा एपिसोड होगा वो हम वीज़ा टू एक्सप्लोर में शूट करेंगे, इसमें हो सकेगा तो बीच में थोड़ा बहुत आपको BTS दिखाएंगे, राइट? आज मैं यहीं पे आपको बाय बाय कर देता हूँ, काफ़ी लंबा दिन हो गया, अब जब तक हम विरायतन पहुँचेंगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएंगे। कल मैं चाहता हूँ दिन थोड़ा जल्दी शुरू करें जिससे हमें पूरा दिन राजगीर घूमने को मिले, राइट? अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।